हेलो दोस्तों, बेटा स्टॉक ट्रेडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। CDSL हमने 22 फरवरी को एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। CDSL हमारे बाय पॉइंट से अभी तक, ये वाला बाय पॉइंट था मेरा, यहाँ से लेकर अभी तक 158% रिटर्न्स जनरेट कर चुका है अभी तक ये शानदार मल्टीबैगर स्टॉक। क्या आपको अभी भी इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको CDSL जैसे ही स्टॉक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लेटेस्ट स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ की मैंने लिस्ट रखी है और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। 6 महीने का चार्ट लगा लेते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। आप देख सकते हो CDSL का एक चरित्र रहा है, CDSL का एक चरित्र रहा है कि ये जो स्टॉक है वो 20 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ज़रूर लेता है। आप देखिए पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर एक ही बार ऐसा हुआ है कि ये इसके नीचे गया था, लेकिन वो भी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ऊपर चला गया था। अभी ये स्टॉक जो है यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई दिख रही है कुछ दिनों से, और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ टूट रहा है ये। दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेवी इन्वेस्टर, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, या तो यहाँ पर दो में से किसी एक लेवल पे कंसोलिडेट जरूर होगा। ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 1510 और 1450। जहाँ भी कंसोलिडेट हो आप एक छोटी सी पोजीशन बना लीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे ये स्टॉक बढ़ता जाए, जैसे जैसे ऊपर जाता जाए, वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन बढ़ाते जाना। एंड